Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Hi दोस्तों, तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय डेली लाइफस्टाइल ब्लॉग। तो दोस्तों सबको जय श्री राम, राधे राधे। तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का मेरे एक न्यू ब्लॉग पर। दोस्तों चलिए चलते हैं फटाक से, हम लोग सबसे पहले बाजार वगैरह कर लेंगे। बाजार वगैरह तो यार मैंने ना कल बुधवार था दोस्तों, तो कल ही मैंने पूरा का पूरा बहुत ही ज़्यादा सामान क्वांटिटीज में ले लिया है। मतलब बहुत ज़्यादा सामान ले लिया है यार कल, ऐसे बोल रहा हूँ। जैसे पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च वगैरह सब कुछ एक एक दो दो डेढ़ दो दो तीन तीन किलो ऐसे मैंने ले लिया है, ताकि आज का स्टॉक मेरे को अभी दो तीन दिन स्टॉक का जरूरत नहीं पड़ेगा। टमाटर के सिवा, टमाटर प्याज के सिवा अदर ऐसे कोई चीज़ का जरूरत नहीं पड़ेगा। फिलहाल मैं कल मैं हरा मिर्च लाना भूल गया था, तो मैं जा रहा हूँ अभी हरा मिर्च वगैरह लेने के लिए, ब्रेड वगैरह लेने के लिए। और सुबह मैं गया वर्कआउट से कंप्लीट करके, वर्कआउट वगैरह करके आ गया था, और मोबाइल वगैरह ना मैं घर पर ही छोड़ दिया था, इसलिए लेके नहीं गया था क्योंकि मेरा मोबाइल वगैरह चार्ज नहीं था। तो चलिए फटाफट तो चलते हैं हम लोग हरा मिर्च वगैरह लेने के लिए, और ब्रेड वगैरह जाके ले आते हैं। और यार देखो आज की वीडियो का लाइक वही 200-300 रुपये भाई आप लोग कर देना है यार। आप लोग जो भी मेरे चैनल पर हो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। झोला वगैरह टांग दिया, इसमें ब्रेड आ जाएगा, और मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं मिर्चा ही लेके आना है, ठीक है। तो मिर्चा के लिए चल जा रहा हूँ, सामान वगैरह जाके ले आऊँगा। लो भाई ब्रेड भी लिया है और मिर्चा भी ले लिया। चलो बाकी का काम ना फटाफट से निपटा देते हैं। सबसे पहले मसाला वगैरह भी लेना पड़ेगा। चलो भाई फटाफट तैयारी करते हैं। तो तुरंत गाजर लिया है, देखो आधी वगैरह ना काफी अच्छा मिल रहा था मेरे को। वैसे 150-120-140 चला रहे हैं, लेकिन कल ना मेरे को 110-100 रुपये किलो के आसपास ऐसे मिला, तो मैंने एक किलो पूरा का पूरा ले लिया भाई। ये ना मेरा पूरा एक हफ्ता चल जाएगा आराम से, एक हफ्ता नहीं लेकिन पर डे 200 ग्राम लगता है, मतलब 5 दिन आराम से चल जाएंगे। फिलहाल मैं बैठ गया हूँ मसाला वगैरह पूजने के लिए। क्या भाई मसाला वगैरह पूजा ही गया, लगभग छोटा कढ़ाई बैठाया हूँ भाई, सामान थोड़ा कम ही कम लेके जाऊँगा क्योंकि मार्केट वगैरह बहुत ज़्यादा सुंदर चल रहा है। दाल में बना रही है अभी रोटी, तब अभी मजा आ रहा है भट्टा में रोटी बनाने में ना। कल मम्मी को बोलूंगा यहाँ पर लकड़ी वाला चूल्हा बनाए, और लकड़ी वाले चूल्हे में फूक फूक के बनाइएगा रोटी यहाँ पर। मजा आ रहा है ना, गुड एक्सपीरियंस। चलो भाई अब फिलहाल में अब हम लोग बैठ जाते हैं, मसाला वगैरह कम्प्लीटली हो गया है, कटलेट वगैरह बनाने के लिए बैठते हैं अपन। आई होप दोस्तों कि हर दिन की तरह आज का दिन भी आपके भाई का काफी अच्छा गया है। घर का देखो, पहले मेरे घर में ना बकरी वगैरह बहुत सारा था, लेकिन अब फिलहाल में नहीं, लेकिन बगल में बहुत सारे हैं। ये देखिए आप, तो गाइस कल 1 किलो धनिया लेके आया हूँ, आधा किलो आज डाल दे रहा हूँ, आधा किलो कल डाल दूंगा भाई, आधा किलो वहां रखा हुआ है, काफी सही रहेगा। ये धनिया एकदम फ्रेश धनिया है, वगैरह बनकर रेडी हो चुका है, अब टाइमिंग है चटनी वगैरह पीसने का। आधी वगैरह कहाँ है, चलो फिर सामान वगैरह रखते हैं फटाफट। तैयारी पूरा हो गया कम्प्लीटली, और टाइमिंग 2 बज गया है, तो इसमें नमक वगैरह डाल लेता हूँ, तैयारी कम्प्लीट हो जाएगा। उसके बाद खाना खाना है और निकलना, कोशिश करूँगा कि 8-3 बजे तक मेरे काम लग जाए, काफ़ी सही रहेगा। फिर सामान वगैरह भाई पूरा जा रहा है, चलो निकलते हैं। तो फाइनली भाई सामान वगैरह रख लिए, दुकान वगैरह लगना चालू हो गया है। थोड़ा सा भाई गंदगी है बस इधर इधर, थोड़ा झाड़ू वगैरह लगा लूँ मैं। दीपक भाई जस्ट पहुँचे हैं, वो भी थोड़ा जल्दी ही आ गए हैं आज। तो चलिए फटाफट से सामान वगैरह भाई, टेम्पू यहीं पास आता है, फिर सामान वगैरह पूरा का पूरा मैं पलटी मारता हूँ, और तावा वगैरह उधर रखा रहता है वहाँ से ला के, उसके बाद फिर फटाफट से मैं दुकान वगैरह अपना लगा लेता हूँ। मेनर बज गया तो वहाँ दोस्त की दुकान में रखा रहता है, देखिए आकाश के पास रखा हुआ है पवन कटलेट, उसको ला के भी यहाँ लगा दूंगा। अभी फिलहाल मैंने कुछ दिन से ना जुगाड़ नहीं चल रहा है, कुछ दिन के बाद क्या करूँगा मैं पता है, अभी ना बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रहा है मेरे को, ठीक है। मैंने जो मूंग चिल्ला का तावा वगैरह उधर रखता हूँ, ठीक है, बैनर वहाँ रखता हूँ, और बाकी सामान लेके जाता हूँ और लेके आता हूँ, गैस सिलेंडर वाला भी लेके जाता हूँ, लेके आता हूँ। कुछ दिन के बाद कैसे करूँगा ना, ये वाला एक काउंटर सोचा हूँ बनवाने के लिए, 10-15 हज़ार रुपये में जो भी लगेगा बनने में बन जाएगा। उसके बाद फिर इसी में सामान रख के चल जाऊँगा, साइड में ही आपस काउंटर बनवा के रख लूँगा भाई, रेगुलर किराया वगैरह रखना टेंशन नहीं रहेगा। 10-15 हज़ार रुपये का रहेगा, दुकान में भी काम आएगा सामान रखने के लिए, दुकान वगैरह जमा रहे हैं। और मैं गर्मा गर्म जस्ट कटलेट वगैरह निकाल लिया, फेंका फाकी मत करो यार दीपक भाई, ज़्यादा है तो इधर दे दो। फाइनली कटलेट वगैरह सब निकाल दिए, तू तो आ ही रहा है ब्रो ब्लॉग में,
अब 360 लूं गाइस, आप लोग कमेंट करके बताना 360 लूं या फिर आईफोन लूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। 360 लूं क्या, मेरे को राइडिंग में ब्लॉग इन करना है भाई, आईफोन भी ले सकते हैं, आईफोन में कैसे राइडिंग ब्लॉग करूंगा, दोनों में दिक्कत है यार, दोनों चीज़ में आप ले लो वो तो सब चीज़ पॉसिबल हो ही जाएगा, लेकिन रात को कैसे करूँगा, रात को कैसे करूँगा, उसके लिए टारक लेना पड़ेगा एक अलग से। फिर मैं बोल रहा हूँ ये वाला नहीं मिल रहा, लेकिन प्राइस रेंज देख लो इसके चर्च का 3000 जो कहाँ लिखा है तेरा में दिखा देते हुए। हाँ ठीक है सुना, मिट जाए। अरे सुना शूज नहीं है भाई, टेंशन मत ले, तो 80,000 का शूज नहीं है तेरा। तेरा तो हम एक बार में सट्टे में लगा देते हैं। तो दीपक भैया सट्टे भी खेलते हैं यार। हेलो चौपाटी पूरा वीरान है, देखो आप लोग आशीष बस मालबाजी कर रहा है अभी, दीपक भैया थोड़ी देर बात करेंगे। उड़ू मार लो यार कम से कम यार, दीपक भैया कम से कम झाड़ू उड़ू मार लो यार। दोस्तों देखो, एक चीला, एक प्लेट मुंगोड़ी और दो टुकड़े, तीन टुकड़े, मतलब हमें जो कुछ कस्टमर आए हैं फटाफट जो पार्सल वगैरह कर रहे हैं हम। दुकान भी तुरंत ही लगाया है मैंने अभी, दुकान लगाने के बाद 15-20 मिनट भाई हम लोग काफ़ी मतलब ठीक है। दीपक जी दुकान में ग्राहक नहीं थी, मेरे दुकान में ग्राहक आना चालू हो गया। दीपक भैया क्या चीज़ का बोला था मैं, पता है आपको क्या चीज़ का बोल रहा हूँ, खाना पीना का। तो आप बोल रहे हो ब्रेड महंगा है, नुकसान पड़ेगा, अच्छा आप अपना बता रहे थे। एक रास्ता और है आपके पास, बीच का रास्ता मैं आपको बता सकता हूँ, खर्चा भी नहीं आएगा, पूरा चीज़ बता दूंगा इसी लेके, पत्ता गोभी राजा शिमला सब चीज़ का। कुल मिला के आपका 1500 में पूरा काम। मुंगोड़ी वगैरह पार्सल कर रहे हैं जो है, मार्केटिंग ठीक ठाक है, 300-400 रुपये के आसपास तो मैंने सेलिंग किया है, भीड़ भाड़ उसे नहीं हुआ थी जैसे मैंने सोचा था, मतलब मेरा क्या तो पार्टी में किसी का, बाकी देखते हैं शाम तक सामान निकलता है नहीं निकलता है, क्या है कैसा है, जैसा भी रहे भाई जितना भी निकलेगा जो भी रहेगा मेंटेन करेंगे, क्या करना है। यहाँ 50 का पार्सल करना है भाई, दीपक भैया कभी पूरा चौपाटी ऐसी सुन छाने देते, पूरा चौपाटी का हाल है, पूरा का पूरा चौपाटी एकदम दीपक भैया जमाए पड़े हैं, पूरा नहीं पा रहे हैं लगता है ना, दीपक भैया एकदम देख रहे हो बंडल पे बंडल भाई, देखो कितना कितना भी निकला कितना भी फिर जमा है, उसके बाद फिर अभी जमाएंगे। हाँ दीपक भैया कुछ भी गर्म गर्म कपड़े वगैरह निकाल रहा हूँ, पार्सल वगैरह जाना चालू हो गया है, अभी निकला है एक ट्रे करके, और पापा टाइमिंग लोगों को शाम से कर सकते हैं, थोड़ा सा पापा का तबियत सही है तो घर में रेस्ट करें, तो दो दिन बाद जाना चालू हो जाए तो मार्केटिंग थोड़ा मोटा ठीक ठाक चल रहा है, और बीच कुछ तबियत का ऑर्डर आया है, चीला वगैरह भी बना ही रहे हैं, चीला का मार्केटिंग थोड़ा स्लो है लेकिन ठीक है, चलो जो भी निकल जाए काम नहीं है। वायरल कैसे बंद तो बहुत है, भाई का शादी था ना उसके बाद बंद था, तो बंद
गर्म निकाला और कौन ये है क्या? वो चटनी और एक कच्चे बांधना मत अगर आप पसंद है। नॉर्मल भी नहीं है उसको ज़्यादा ही भाई। गर्मा गर्म मस्त इडली निकला था। इडली नहीं मतलब सांभर गर्म हुआ था। इडली ले लिया हम भाई के पास से और सामान मेरे पास काफ़ी बचा हुआ है। पूरा चौपाटी सुनसान है, देख रहा हूँ। आधे लोग तो ये सोच रहे हैं कि आज दुकान ही क्यों खोले, लेकिन खुल गया था, खुल गया भाई। जितना भी सेलिंग हो जो भी हो, टाइमिंग 8 के आसपास हो, 10 बजे तक लगाएंगे अपना। फाइनली भाई कंटेंट फिनिश हो गया। चीला का मार्केटिंग उस चलते था नहीं, चीला काफ़ी बढ़ गया, लेकिन जितना भी सामान निकल रहा था निकल गया, मोहल्ले भी निकल गया, कचरे भी लगभग लगभग निकल ही गया। कम ज़्यादा करके 2-3 कुछ मैं मूंग चीला बना लेता हूँ, घर में बैठ कर खाएंगे आराम से। मालूम एक आध दो पीस में भी खा लूँगा, 2-3 पीस बना लेता हूँ चीला घर के लिए, उसके बाद निकलूँगा घर। हाँ हाँ 40 तो लकी, ए लकी प्लेट देखो। तो सामान मेरा फिनिश हुआ, टाइमिंग वही 9:30 के आसपास हो रहा है। बस भाई लोग निराश चीला बना। अरे भाई साहब भेड़ वाले क्या बचा है? कुछ बच्चा ही नहीं। अरे उंगली मत दिखाओ यार दीपक भैया यार, नहीं तो मैं भी असली हो गया हूँ। असली दीपक भैया इसे उंगली दिखा रहे हैं, अब सब डालूंगा मैं वीडियो में, समझ रहे हो ना बात। गाइस तो आप लोग जो भी सोचते थे दीपक भैया बहुत ही अच्छा है, दीपक भैया ना बहुत ही अच्छा है भाई। तो देख लो कौन फैला है, कोई भी आके नहीं, मैं देख रहा हूँ। आप अभी चल जाते बिश्रामपुर तो वापस आके आते देखने क्या मार रहे हैं। सब लोगों को लड़ना है, डंडा दे रहे खाते डंडा ला रहे। गाइस तो चलिए सामान वगैरह भाई बढ़ाते हैं, फिनिश हो गया, निकलते हैं अपन। माहौल चल रहा भाई, इधर पूरा खत्म हो गया, इधर का भी फिनिश हो गया। ये कौन सा चाप खा रहा है? सफेद सफेद क्रीम लग रहा है यार, क्रीम वाला चाप है भाई। वही वाला मेयोनीज तो नहीं है? अरे नहीं यार फेंक दिया, फेंक दिया, काहे फेंक दिया, काहे फेंक दिया बे, तू तो बहुत मजे से खा रहा है यार। बैनर निकाल दिया हूँ, बैनर को रख देता हूँ अपने दोस्त की दुकान पे, आकाश की दुकान पे रख देता हूँ। 2-4-5 दिन जैसे जैसे करके काम चला ले रहा हूँ। बैनर कितने सारे बैठे हुए, जैसे तैसे काम चल जाए मेरा 10-12 दिन। अरे लियो भैया अंकुरी चना देखो, गर्मा गर्म संजय भैया के पास सर। कैसे इस मार्केट नहीं समझ में ऐसा रास्ता, पूरा सामान देख रहे हो, 7 से ज्यादा लोग ऐसे रुके हुए हैं। मस्ती चलता ही चल रहा है, सामान वगैरह रख लिया मैंने अपना, देखो अब निकलता हूँ अब घर। तो गाइस फाइनली आपका छोटा भाई घर पहुँच चुका है और मार्केटिंग बहुत ही बुरा था, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन आपके भाई ने जितना भी सामान बेचा ना बहुत बेचा, कोई दिक्कत नहीं है।
और 22 तारीख के लिए हम लोगों ने ना कुछ सोचा भाई चौपाटी में, वो आप लोगों को मैं 19 तारीख को बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी ना फाइनल डिसीजन कुछ आया नहीं है और देखते हैं भाभी क्या बनाई है। और अभी गर्मा गर्म पानी वगैरह हो रहा है, गर्म पानी ही पीना है ब्रो अपने को। देखो भाभी बनाई आज लिट्टी, ओ हो हो भाभी लिट्टी और चोखा, चटनी भी है। और भाई साहब क्या हाल चाल, कैसा चल रहा है जिंदगी? मतलब बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि शादी के बाद जिंदगी झंड हो गया, ऐसा कुछ तो नहीं ना फिल्म में से सुना? कुछ नहीं है भाई, एकदम मस्त है, हैप्पी हैप्पी सब बढ़िया है, हैप्पी भी है ना सब दिन सदा बरोबर है। हां मां तो हीरोइन है तो सदा बाहर तो रहबे करी। हम खाते हैं लिट्टी बनाए भाई, उसके बाद सोते हैं। गाइस मैं सोने वाला था लेकिन आप लोगों को बताऊं, आज ना भाभी का बर्थडे है तो भैया लोगों ने ना कुछ सरप्राइज रखा है। सोने वाला था, अचानक से मेरे को भी पता चला कि कुछ सरप्राइज है, ठीक है। और अभी रात के 12:12 को मेरा कटेगा भाई। अल्लाह नहीं करना है, भाभी का पहला बर्थडे है। मम्मी का तो साफ सफाई का तब नहीं होता है यार। तैयारी हो गया लगभग लगभग, चलो चलो हैप्पी बर्थडे नया भौजी, हैप्पी बर्थडे टू यू सोनाली। मैं कहा मैं छोटा हूँ, मैं कहा यार तू उतारू, जब छोटा हूँ तो क्या उतार मैं नहीं उतारू। चलो काटो केक, खंजर कहाँ हो रहा? खंजर ये रहा, जलाइए आप, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर सोनाली। आज सोनाली नाम है, तो भूल गए यार यार यार। चलिए कटी के कटी, तो गए तो बोल दे। हैप्पी बर्थडे नया भौजी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू भाभी। मम्मी को तुरंत 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 लेयर ज्यादा बना हुआ इसको। माँ को केक ठीक है माँ? चलो छोटू को खिला। नहीं नहीं भैया को खिलाइए बाद में, छोटू को छोटू को पहले भैया को खिलाइए, फिर इतना मेहनत किया है फिर भाई पहले भैया को खिलाइए, छोटू को छोटू पहले भैया को छोटू नहीं छोटू नहीं इतना खा ले पहले पहले भैया पहले भैया को। ओ बलमा तभी खिला दे खिला दे रे।
ताशपोशी मन्नत तो खिला दो नहीं तो ऐसा कुछ नहीं अरे इधर आई ना ये लगा वीडियो बनाता है अरे थोड़ा सा नहीं आखिर मत लीजिए भाभी लीजिए लीजिए आखिर गाइस हम लोगों के भाषा में रहान मतलब फालतू काम मत कर जबरदस्ती चेहरा में लगा रखने इसलिए बोला था कि जो भी सोने का टाइम हो गया है समझ रहे हैं आप लोग ऐसा लग रहा है अब नहाने जाओ तो ऐसा लग रहा है ठीक है दोस्तों सबको राधे राधे जय श्री राम अब मिलते हैं हम लोग कल के ब्लॉग बताना आप लोगों को छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा ले भाई पटोटो किस दे भाई अच्छा था ले मेरे पास तो भी आ जाओ अरे थोड़ा पीछे हो ठीक है थोड़ा सा इसको नीचे करो ऐसे अच्छा लग रहा है चलो चलो पार्टी निपट गया ना इधर कैमरा तरफ बार बार मत देखो पैसे 1,000 लोगों ने तो एक फोटो खींचने का पूरा लग गया